नमस्कार, मैं हूं तुषार उप्रेती। ये है रिव्यू कॉर्नर और रिव्यू करने में आ गया हूं राम सेतु के ट्रेलर का, जो मैंने देख लिया है। कैसा लगा ये ट्रेलर, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, जिस देश में राम के अस्तित्व को चुनौती दी जा सकती है, इतिहास को मिथक बताया जा सकता है, उस पे केस किया जा सकता है, वहां पे कुछ भी अकल्पनीय नहीं है। तो ट्रेलर देख के जो मुझे लगा, मैं अपना एकदम जबरदस्त सीधा सादा सपाट रिएक्शन आपको दे रहा हूं, वो ये कि जिस देश में चुनौती देने वाले हजारों लोग हैं, वहां करोड़ों मानने वाले हैं श्री राम में, और श्री राम का काम करने वाले करोड़ों अरबों लोग हैं जो उस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ट्रेलर देख के भी मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जहां चुनौती दी गई है, उस भावना को, उस पूरे जो इतिहास को, जिसको जबरदस्ती मिथक या भ्रांति बनाने की कोशिश की गई थी, तो ट्रेलर में एक बहुत ही कमाल की लाइन आती है। और लाइन कुछ ये है कि भगवान श्री राम के सारी दुनिया में लाखों मंदिर हैं, लेकिन राम सेतु सिर्फ एक है। तो हमारा हीरो यानी कि श्रीमान अक्षय कुमार इस फिल्म में एक जबरदस्त एक्सपीडिशन पे निकल पड़े हैं। एक्सपीडिशन इसलिए क्योंकि थ्रू नासा, थ्रू सैटेलाइट, थ्रू वेरियस साइंटिफिक गैजेट्स, ये सच में प्रूफ किया गया कि राम सेतु राम के ही इस देश में, जिस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया था, वो एग्जिस्ट करता था। तो उसकी परत कैसे खोली गई, यही बताती है ये फिल्म और यही बता रहा है ये इसका ट्रेलर। ट्रेलर बहुत ही अद्भुत था, बहुत मजा आया। हालांकि मैं उम्मीद ये कर रहा था कि ट्रेलर थोड़ा सा बड़ा होगा, शायद 3 मिनट या 3.5 मिनट का ट्रेलर आएगा, जिससे और ज्यादा ग्लिम्सेस हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि ये दिवाली राम सेतु वाली होने वाली है। सबसे कमाल की बात कि जो अभिषेक है इसके निर्देशक, उनके जीवन की ये सबसे बड़ी फिल्म है अब तक की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने फिल्म बहुत ही अच्छे से, जो कि ट्रेलर देख के लग रहा है, हैंडल की होगी। साथ ही उनके साथ हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी बतौर क्रिएटिव प्रोड्यूसर, और वहां भी पूरी उम्मीद ये की जा सकती है कि किसी भी फैक्ट से छेड़छाड़ नहीं की होगी। उनका नाम ही अपने आप में भरोसा लेके आता है। और फिर है सुपरस्टार अक्षय कुमार, जो इस किस्म की फिल्म में, जिसमें देश की भावना हो, जिसमें राष्ट्र की भावना हो, उसे जगाने में उनको एक किस्म से महारत हासिल है। तो मैं पूरी उम्मीद लगा के बैठा हूं कि फिल्म बहुत ही जबरदस्त ब्लॉकबस्टर होगी। कम से कम ट्रेलर देख के मुझे ये लगा, हालांकि उम्मीद मैं बार बार वही कह रहा हूं कि इतना ग्लिम्स देखने के बाद मुझे लग रहा था कि ट्रेलर थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया है, ऐसा लगा कि टीजर जैसा ही है ट्रेलर भी। लेकिन उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में, जैसे जैसे दिवाली के हम पास जाएंगे, कुछ गीत आएंगे, कुछ प्रसंग आएंगे, कुछ नई नई बातें उभर के आएंगी राम सेतु के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा राम सेतु का ट्रेलर, और आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से ये दिवाली राम सेतु वाली। धन्यवाद।